नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि महालक्ष्मी व्रत आपको कैसे करना है, कब करना है और व्रत की पूजा विधि क्या है। तो महालक्ष्मी व्रत कई लोग 16 दिन पूरा व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं, और कई लोग शुरू के 3 दिन और कई लोग अंत के 3 दिन व्रत रखते हैं, और कई जगहों पर केवल 1 दिन व्रत रखा जाता है। तो हमारे यहाँ 1 दिन व्रत रखा जाता है जो कि 17 सितंबर को है, 2:14 से शुभ मुहूर्त है 4:33 दूसरे दिन तक, क्योंकि ये पूजा शाम के वक्त होती है, इसलिए ये व्रत आपको 17 सितंबर को रखना है। इस दिन श्रीवत्स सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्ध और द्वि पुष्कर सिद्ध योग भी है। तो 16 दिनों तक कई जगह पर भाद्रपद की अष्टमी तिथि के दिन 16 दिनों तक ये व्रत 3 सितंबर से शुरू होकर मनाया जाता है। तो अब मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। सुबह के वक्त आपको हो सके तो आप नदी या तालाब पर जाकर स्नान करिए, 16 बार डुबकी लगाइए। उसके बाद आपको पूरे जो आपके अंग हैं उनको 16 बार शुद्ध करना है आपको दुआ के साथ। तो इस तरह से आपको सुबह के वक्त स्नान करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त, क्योंकि ये पूजा शाम के वक्त होती है महालक्ष्मी जी की पूजा, तो आपको शाम के वक्त कोई आपको मीठी चीज़ जो कि सफ़ेद हो सके तो खीर का प्रसाद भी आप सब बना सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को दूध की खीर मतलब चावल की खीर बहुत ही प्रिय है। तो शाम के वक्त आपको एक पटा बिछाना है, पटा या चौकी बिछाना है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर आपको अष्टदल कमल बनाकर कलश रखना है। कलश के ऊपर एक कटोरी रखकर आपको चांदी की या सोने का कुछ भी आपके पास, जैसे सोने की अंगूठी है, चांदी की अंगूठी है, सिक्का है, वो आपको रख देना है। फिर आपको 16 गांठ लगी हुई मौली अपने हाथ पर बांध लेना है। फिर उसके बाद आपको माता की फ़ोटो रखनी है और अष्टदल कमल बना लेना है और माता जल से भरा हुआ श्रीयंत्र दक्षिणावर्त ये सब चीज़ें कर लेना है। साथ ही हल्दी से कमल बनाकर उस पर हाथी, कई जगह पर हाथी से बने हुए माता लक्ष्मी जी भी मिलती हैं, तो उनको 16 दीपक जलाने हैं। और आपको चांदी के सिक्के, कौड़ी, ये सारी चीज़ें रख लेनी है। कमल का फूल उन्हें बहुत प्रिय है, तो वो सब लाल सूत, सुपारी, नारियल, ये सबसे पूजा करनी है, जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही करनी है। लेकिन माता को सफ़ेद, हो सके तो सफ़ेद फूल चढ़ाइए और लाल फूल चढ़ाइए, लाल कलर की साड़ी पहनकर आप पूजा करें। और शाम के वक्त उसके बाद आपको 16 दीपक जरूर जलाने हैं। 16 दीपक जलाना माता को बड़ी अति प्रिय है, क्योंकि ये 16 दिन तक व्रत रखते हैं। उसके बाद आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आपको, आप चाहो तो पूरा भोजन कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल आप जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे साइड क्या होता है कि शाम के वक्त पूरा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको महालक्ष्मी व्रत करना है। आपको व्रत से जुड़ी कुछ और चीज़, कई जगहों पर हमारे यहाँ क्या होता है कि आटे के और बेसन के सेव खुरमा बनाए जाते हैं, वो माता लक्ष्मी जी को चढ़ाए जाते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।